हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल लाइव चैनल में और मैं अमित कुमार केसरी। तो आज हम लोग देखेंगे एक इलेक्ट्रिकल से जुड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोरोना इफेक्ट या कोरोना डिस्चार्ज के बारे में या कोरोना के बारे में कि आखिर इलेक्ट्रिकल जो अपना एरिया है इसमें कोरोना होता क्या है और यह कहाँ होता है। तो चलिए देखते हैं पूरा लाइव विजुअल के साथ में पूरा वीडियो। यह जो टॉपिक है कोरोना इफेक्ट, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज इसके बारे में हम लोग आसान भाषा में पूरा एकदम आसान भाषा में पूरा आज इसके बारे में आज समझेंगे। तो एक्चुअली कोरोना डिस्चार्ज जो होता है, जिसको कोरोना इफेक्ट भी हम लोग बोलते हैं, वह इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। कोरोना इफेक्ट जो होता है वो ट्रांसमिशन लाइन में होता है। ट्रांसमिशन लाइन में अपना जो ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, बड़े बड़े टावरों से हम लोग जो अपने पावर को ट्रांसमिट करते हैं, वहां पर हमको कोरोना इफेक्ट देखने को मिलता है। तो एक्चुअली ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर के जो आसपास की हवा जो होती है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है और कोरोना डिस्चार्ज के कारण हिसिंग साउंड आप सभी सुनते होंगे कि जहां भी ट्रांसमिशन लाइन के अगर नीचे आप सभी मतलब की गुजरते होंगे वहां से, तो आप सभी को हिसिंग साउंड मतलब की जो उसका साउंड है वो आप सभी को सुनाई देता होगा। वो हिसिंग साउंड जो होता है वो कोरोना इफेक्ट के कारण ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर कोरोना इफेक्ट को अगर सिंपल वे में हम लोग समझे तो इसका डिफिनेशन यह है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पर, ठीक है, ओवरहेड जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उस पर वायलेट ग्लो अगर देखने को मिलता है या हिसिंग नॉइस जो कि अभी मैं आपको बताएं और प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस, ये सब कोरोना इफेक्ट कहलाता है। जब भी दो कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है और वह पोटेंशियल डिफरेंस सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस होती है। यही जो है वो कोरोना इफेक्ट का मेन डिसएडवांटेज है। आप सभी शायद एक वर्ड के बारे में जानते होंगे, वो है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होता है उस वोल्टेज लेवल से ज्यादा वोल्टेज होने पर कोरोना इफेक्ट जो है अपना वो होना शुरू होता है। कोरोना इफेक्ट एक्चुअली 2 से 6 kV वोल्टेज लेवल से ही शुरू हो जाता है। 2 से 6 kV जो अपना वोल्टेज लेवल होता है उसी वोल्टेज लेवल से अपना जो कोरोना इफेक्ट है वो शुरू हो जाता है, लेकिन वो आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा। जनरली 33 kV या उससे एबो जो लाइन है, 33 kV या उससे जो एबो लाइन है, उन वहां आपको कोरोना इफेक्ट देखने को मिल सकता है। उन सभी ट्रांसमिशन लाइन में हिसिंग साउंड भी आपको सुनने को मिल सकता है। जैसे जैसे वोल्टेज लेवल बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे आप 33 kV से ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे वोल्टेज लेवल बढ़ता है वैसे वैसे कोरोना इफेक्ट जो है यानी कि अपना हिसिंग नॉइज जो है वो बढ़ता है। आप सभी अगर आप ज्यादा वोल्टेज लेवल पर जाएंगे तो वहां आपको हिसिंग साउंड ज्यादा मिलेगा। 33 kV लाइन में आपको हिसिंग नॉइज तो आपको बहुत कम सुनाई देगा, लेकिन 220 kV, 400 kV या उससे भी ज्यादा, मतलब कि जो अपना होता है 400 kV या 700 kV या उससे मतलब कि ज्यादा 1500 kV अल्ट्रा हाई वोल्टेज जो अपना रेंज होता है, उस रेंज में अगर ट्रांसमिशन लाइन में हम देखेंगे तो वहां पर आप हिसिंग साउंड बहुत ज्यादा सुनेंगे और वह मतलब कि बहुत ज्यादा होगा। जो अपना कोरोना इफेक्ट है इसका कुछ एडवांटेज भी है। एक्चुअली ड्यू टू कोरोना कंडक्टर के चारों ओर हवा जो होती है वो कंडक्टिव हो जाती है। कंडक्टर के चारों ओर हवा जो होती है वो कंडक्टिव हो जाती है और कंडक्टर का जो डायामीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और लाइन का जो अपना जो ट्रांसमिशन लाइन का जो शंट कैपेसिटेंस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और इससे जो अपना पावर कंडक्टर का जो इलेक्ट्रोस्टेटिक स्ट्रेस होता है वो घट जाता है। तो ये अपना एडवांटेज होता है कोरोना इफेक्ट का। और इसका कई डिसएडवांटेज भी है। तो इसका मेन डिसएडवांटेज है लॉस ऑफ पावर। अपना ट्रांसमिशन लाइन में जो अगर कोरोना इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है तो फिर अपना जो पावर लॉस है वो भी बढ़ेगा। तो यानी कि लॉस ऑफ पावर, ये एक पॉइंट हो गया। और अपना दूसरा पॉइंट है थर्ड हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है कोरोना इफेक्ट के कारण। और तीसरा पॉइंट है करप्शन इन कंडक्टर लाइन। जो अपना कंडक्टर लाइन होता है वहां पर करप्शन यानी कि जंग लग जाता है। जो ये केमिकल एक्शन जो होता है प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैसेस जो ट्रांसमिशन लाइन पर कोरोना इफेक्ट के कारण प्रोड्यूस होता है, उसके कारण जो अपना कंडक्टर होता है ACSR, एक्चुअली हम लोग ACSR ही कंडक्टर ही यूज करते हैं जो अपना मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन में जनरली, क्योंकि यह कोरोना इफेक्ट को कम करता है और यह बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होता है ACSR यानी कि अल्मोनियम कंडक्टर स्टील रैनपोस। तो ये एक्चुअली हम लोग जो जंग लग जाता है ये कोरोना इफेक्ट के कारण होता है। तो इससे ये भी डिसएडवांटेज है इसका कोरोना इफेक्ट का। एक्चुअली जो कोरोना है वो इफेक्ट
आपको मतलब कोरोना इफेक्ट जो है उसको नॉर्मली आप रेनी सीजन में बरसात के मौसम में आप सभी देख सकते हैं कि बरसात के मौसम में आपको बहुत ज्यादा कोरोना इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के नीचे जाइए, वहां पर आपको बहुत ज्यादा हिसिंग साउंड आपको सुनने को मिलेगा और बरसात के मौसम में ये बहुत ज्यादा होता है। उस समय आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के नीचे अगर जाइएगा तो हिसिंग साउंड आपको सुनने को मिल सकता है और वायलेट ग्लो भी आप देख सकते हैं। वायलेट ग्लो जो होता है वो बैगनी कलर का होता है, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड, आशा है कि आप सभी को कोरोना इफेक्ट क्या है इसके बारे में हम आसान भाषा में जानकारी दे पाए होंगे। और ऐसे ही लाइव वीडियो और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप सभी हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।